नमस्कार दोस्तों, युथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। ये क्लास हमारी लाइब्रेरी की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस के बारे में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, युथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम सूचना स्रोत और सेवाएं करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा क्योंकि दोस्तों टाइम कम है और हमें सिलेबस ज्यादा कराना है, ठीक है। ये सूचना का स्रोत क्या होता है, यानी किसी से हमें सूचना का स्रोत, यानी किससे हमें वो सूचना मिल सकती है, उसको हम सूचना स्रोत बोलेंगे। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम सूचना का स्रोत बोल सकते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमें सूचना दे रहा है, ठीक है। वो एक स्रोत बना हुआ है, ठीक है, सोर्स है वो हमारे लिए, उसको हम सूचना का स्रोत बोलेंगे। तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डॉक्टर रंगनाथन ने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। नाम लिख, तो नाम तो मैं नहीं लिखता, कन्वेंशनल एग्जाम में ये नहीं पूछते, बट हाँ डॉक्टर रंगनाथन ने, ऐसा रंगनाथन ने डॉक्यूमेंट्स को, यानी इसको बोलते हैं प्रलेख हिंदी में, ठीक है, प्रलेख। इसको चार भागों में बांटा है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट कन्वेंशनल, ठीक है, इस प्रकार बांटा है। ये एग्जाम में नहीं पूछते बट मैंने बता दिया आपको चार टाइप के डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर रंगनाथन ने बताई। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है और ये भी इंपॉर्टेंट, और उसका हैंसन ने इसको दो टाइप में बांटा है, ठीक है, इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है ग्रोगन, ग्रोगन ने इसको तीन भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिटरी, यानी इसको तृतीयक बोलते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन एक आ सकता है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने कमेंट में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए सर एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि उसके लिए टाइपिंग करनी पड़ती है, वो आपको एग्जाम के बाद में ही, कोई नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कराएंगे तभी करवाएंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ शॉर्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिटरी, इनमें से बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स, ये कौन से सोर्स के अंदर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या ट्रिटरी? ये दोस्तों प्राइमरी के अंदर आता है, ठीक है, पी, प्राइमरी में ऐसे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड पी, हिंदी में बोलेंगे इसको प्राथमिक, ठीक है। और एक आता है इंडेक्स, ये किसके अंदर आता है, ये दोस्तों सेकेंडरी के अंदर आता है, यानी द्वितीयक, ठीक है। और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट्स, ये भी दोस्तों सेकेंडरी के अंदर आता है, ठीक है, यानी द्वितीयक के अंदर। एक आता है दोस्तों पेटेंट, ये भी दोस्तों प्राथमिक के अंदर ही आता है और प्राइमरी के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट बुक,
टेस्ट बुक दोस्तों ये आता है तृतीय के अंदर, ठीक है, और हैंडबुक ये द्वितीय के अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हो जाती है हिस्ट्री, किसी प्रकार की हिस्ट्री वो सेकेंडरी के अंदर आती है, और कोई रिपोर्ट हो, रिपोर्ट्स वो आती है प्राइमरी के अंदर, यानी प्राथमिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक प्रलेख। और डिक्शनरी, डिक्शनरी दोस्तों ये सेकेंडरी के अंदर आती है, यानी द्वितीय। थीसिस, ये दोस्तों प्राथमिक के अंदर ही आती है, यानी प्राइमरी के अंदर। गाइड टू मैप, ये दोस्तों तृतीय के अंदर आता है, ठीक है। और क्या रह गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और इंडेक्स, हाँ इंडेक्स भी ये सेकेंडरी के अंदर आता है, टेक्स्ट बुक भी करवा दिया, और क्या रह जाता है, एक आता है रिसर्च जनरल, रिसर्च जनरल, ये दोस्तों प्राथमिक के अंदर ही आता है, ठीक है। और इसके अलावा पेटेंट को बोलेंगे हम 100, पेटेंट को 100 बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और स्टैंडर्ड को बोलेंगे मानक, यानी तेरा कितना का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको मानक बोलेंगे। टेक्स्ट बुक आपको पता है, रिपोर्ट ही पता है, हैंडबुक ही पता है, इंडेक्स ही पता है आपको, हिस्ट्री ये आपको पता है, गाइड मैप ही पता है। और इसके अलावा डिक्शनरी भी आपको पता है। तो डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज ये दोस्तों तृतीय स्रोत के अंदर आते हैं। अगर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव कराऊं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो हम नहीं करवा रहे, आपको बता दिया कि कौन कौन से आते हैं, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कोई एक दो और ध्यान नहीं आ रही मेरे को, जब कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक ईयर बुक शायद नहीं करवाया, ईयर बुक ये दोस्तों तृतीय के अंदर ही आता है, ट्रिटरी के अंदर। और एक आता है गाइड टू लिटरेचर, ये भी ट्रिटरी के अंदर ही आता है, तृतीय के अंदर, ठीक है। एक गाइड टू लाइब्रेरी, ये भी आ सकता है एग्जाम में, गाइड टू लाइब्रेरी, ठीक है, ये भी तृतीय के अंदर ही आता है। और अब बात कर लेते हैं सूचना की जो सेवाएं वो किस प्रकार हो सकती है, यानी किस किस टाइप की हो सकती है। एग्जाम में तो नहीं पूछते किस टाइप की होती है, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। संदर्भ सेवा जिसको बोलते हैं, रेफरेंस सर्विस, रेफरल सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDC, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। लिटरेचर सरत सर्विस, इसको बोलेंगे साहित्य खोज सेवा, ठीक है। और एक आता है SDI, ये भी इम्पोर्टेंट है, और CAS ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है। और SDI की फुल फॉर्म होती है सिलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिस, मैं तो लिख देता हूं, सिलेक्टिव डिसमिनेशन सर्विस, ठीक है। और इसकी होती है करंट अवेयरनेस
सर्विस, ठीक है। और इसके अलावा एक टीएस भी होती है, ट्रांसलेट सर्विस। वैसे तो कई होते ही है, ये आरएस भी बोलते हैं इसको, रिप्रोग्राफिक सर्विस। चलो इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते, एग्जाम में ये नहीं पूछते, ये दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं जितना मुझे पता है। चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इट द राइट पर्सनल वे। ये दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने, ऐसा रंगनाथन ने कहा था रेफरेंस सर्विस के बारे में, आरएस के बारे में। रेफरेंस सर्विस जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सेवा, परिभाषा दी है इसकी, ये एग्जाम में आ सकती है। हिंदी में बताता हूँ, व्यक्तिगत सेवा। व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से रीडर और बुक के बीच में सही समय पर यानी राइट टाइम पर संपर्क स्थापित करना ही रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा होती है। और इस संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर रंगनाथन को इसने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्वरित संदर्भ सेवा और विस्तृत संदर्भ सेवा, यानी करंट एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव नहीं बोलेंगे इसको, बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। डिस्क्रिप्टिव तो वो वर्णन करना हो गया, ये गहन हो गई ना, विस्तृत इसको हम लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जो मैंने बताया था ना, त्वरित संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सोर्स, इस पर एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गजेटियर है वो रेडी रेफरेंस सर्विस है, और जो डिक्शनरी है वो भी रेडी रेफरेंस सर्विस है, विश्वकोश है यानी इंसाइक्लोपीडिया वो भी रेडी रेफरेंस सर्विस है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रलेखन, इंग्लिश में बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन। इसको दोस्तों पॉल ऑटलेट इसने अपनी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया था सबसे पहले, ठीक है, 1934 के अंदर। और इस पर एक बुक भी लिखी गई है, वो बुक लिखी दोस्तों SC ब्रेडफोर्ड ने। ठीक है, और ये लिखी थी 1948 में, यानी बाहर तो ज्यादा हुआ था उससे एक साल बाद में, ठीक है। और एक शब्द होता है डिक्शनरी, ये किस भाषा से निकला हुआ है? ये दोस्तों ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, डिक्शनेरियम से, डिक्शनेरियम, ठीक है, ग्रीक भाषा के। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, डिक्शनेरियम, ठीक है। और थिसोरस, हमने बात की थी कल, थिसोरस वो कहाँ से निकला हुआ है? वो भी ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। ये डिक्शनरी वैसे चार टाइप की होती हैं, जनरल डिक्शनरी, स्पेशल डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी, और जिसको चलो मैं लिखाई देता हूँ, आ सकता है एग्जाम में, हिंदी में लिखा देता हूँ, सामान्य शब्दकोश, विशिष्ट शब्दकोश, विषय शब्दकोश और द्विभाषी शब्दकोश। इसको बोलेंगे बिलिंगुअल डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी, स्पेशल डिक्शनरी, जनरल डिक्शनरी, ठीक है।
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है वो सामान्य डिक्शनरी है, ठीक है, आ सकता है ये भी एग्जाम में। और एम सी ग्रो हिल डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये दोस्तों विषय शब्दकोश है, ठीक है। और इसके अलावा विशिष्ट डिक्शनरी वो हो सकती है कोई विशेष विषय पर, यानी विशेष विषय पर बनी हो उसको विशिष्ट डिक्शनरी बोलते हैं। और ये द्विभाषी शब्दकोश, ये दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ये भी दो टाइप का होता है, सामान्य और विशिष्ट, सॉरी विशिष्ट, ठीक है। इसका विश्वकोश का एक लाइब्रेरी साइंस पर एक इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश का नाम लिखा देता हूं मैं, इंसाइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके दोस्तों तीन संपादक हुए हैं, ठीक है, वो तीनों संपादक इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वो है दोस्तों एलन केंट और एराल्ड लेंकर और एम डेकर, एम डेकर। और ये 18 कितने 18 खंडों में बंटी हुई यानी विभाजित है, ठीक है। ये 18 वाले आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो सोर्स था वो RRRLF की साइट से था, चेंज भी हो सकता है, इसको आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। इंसाइक्लोपीडिया से मेरे को ध्यान आया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका भी होती है, यानी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकना वो कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों, वो न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है, न्यूयॉर्क से। और उसके प्रकाशक हैं ग्रोलियर, ग्रोलियर, ठीक है। ये इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन है, ये एक सामान्य विश्वकोश है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है किस प्रकार का ये विश्वकोश है। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका होता है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। इसके भी दोस्तों तीन प्रकाशक हैं, यानी वो तीन प्रकाशक हैं, एंड्रू बेल, नाम लिख देता हूं मैं, एंड्रू बेल और आर्चिबाल्ड कॉन्स्टेबल। नाम थोड़ी इसकी अजीब है, आर्ची ब्लेड कॉन्स्टेबल, कॉलिन मैकफरक्वार, मैकफरक्वार, ठीक है, आप इनको देख लेना। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ये तीन वॉल्यूम के अंदर, कितने वॉल्यूम के अंदर, तीन वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित हुआ सबसे पहले, ठीक है। और इसका जो लास्ट हुआ था वो 32 वॉल्यूम के अंदर हुआ था, ठीक है, जो अप टू डेट था वो हुआ 32 के अंदर। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का लास्ट अप टू डेट एडिशन था, उसके अंदर इसको तीन भागों में डिवाइड किया है, कितने भागों में डिवाइड किया, तीन भागों में, ठीक है,
ये भी एग्जाम में आ सकता है। और एक ये भी आ सकता है BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का फर्स्ट एडिशन 1950 के अंदर आया था। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एडिशन आया था वो आया था 2003 के अंदर। ठीक है, जैसे BNB है वैसे INB भी है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये 1957 से स्टार्ट हुआ था और इसका प्रकाशन कोलकाता से होता है। ठीक है, कोलकाता से। और इसी INBA के अंदर CC भी यूज होती है और DDC भी यूज होती है, एग्जाम में आ सकता है। और इसके अलावा इस बुक के अंदर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कराए तो बहुत कुछ है इसके अंदर। शॉर्ट आंसर इस बुक के अंदर बहुत कम बनता है, वैसे तो कुछ भी बना लो वो बनता रहेगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। आपके पास जो भी कोई बुक है, या जैसे आपने बिलीव किए या डिलीव किए, उसके अंदर ये फिफ्थ बुक निकालना और वहां पर पढ़ना। जैसे इसके अंदर ट्रांसलेटर सेवा, पाठ्य सेवा, ये बहुत सारी हो जाती है दोस्तों। मैंने बताया था ना आपको, रेफरेंस सर्विस, रेफरल सर्विस, DDC यानी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, LSS यानी लिटरेचर सर्च सर्विस, इस प्रकार की जो है ना, जैसे ट्रांसलेटर सर्विस हो गई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ोगे तो ये पूरा समझ में आएगा। कराने को तो मैं करा दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा तो, जैसे ट्रांसलेटरी सर्विस कराऊंगा तो इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगी, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे बनते थे वो करा दिए, और इसमें से जो जैसे ट्रांसलेट सर्विस की हमने, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ट्रांसलेट सर्विस से, जैसे जो ट्रांसलेट सर्विस है इसी से क्वेश्चन बन सकता है। एम एम लैंग्वेज कौन सी होती है, सोर्स लैंग्वेज कौन सी होती है, एग्जाम में इस प्रकार आ सकते हैं दोस्तों। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता है यहाँ पर कि शॉर्ट आंसर में ये एम सोर्स वो होती है, सो ये एम लैंग्वेज वो होती है और सोर्स लैंग्वेज वो होती है, ये तो आपको सिर्फ पढ़ने से पता चलेगा। कराने को तो मैं करा दूंगा, ये सिर्फ या तो ऑफलाइन क्लास चलती तब तो मैं बता सकता था, और अभी तो ये यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। मैं एक दो क्वेश्चन और बनते वो मैं करा देता हूँ। पहले आपको जो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसके तीन टाइप के इंडेक्स होते हैं, क्लासिफाइड, सब्जेक्ट और ऑथर इंडेक्स। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। जो INBA है ये मंथली प्रकाशित होती है। ठीक है, और ये INB और BNB, इस प्रकार की जो ये बिब्लियोग्राफी होती है ये राष्ट्रीय यानी नेशनल ग्रंथ सूची होती है। एक मैंने आपको SDI करवाया था, SDI, ये शायद बताया नहीं बताया, मेरे को ध्यान नहीं है, HP लुहान ने स्टार्ट किया था। ठीक है, लुहान, ये स्पेशल SDI को नहीं किया, बल्कि जो कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटर में उसको चेंज किया ना, उसमें इसने नाम दिया था इसका SDI, सिलेक्टिव डेसिमिनेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 1961 के अंदर दिया था। और एक बन जाता है क्वेश्चन, रिप्रोग्राफी है, रिप्रोग्राफी, इसका क्या अर्थ होता है? इसका दोस्तों फिर से उत्पादन करना यानी पुनः उत्पादन। इसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रतिलिपिकरण। जो भी मैंने ये नाम करवाए हैं, प्रतिलिपिकरण, डॉक्यूमेंटेशन और इस प्रकार CAS, SDI और जैसे डॉक्यूमेंट डाटाबेस, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, वो आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे, यानी वो कहना क्या चाहता है उसी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लेकिन मैं इतने सारे कराऊंगा तो ये क्लास कम से कम 10 दिनों की हो जाएगी, ये जो फिफ्थ बुक की है,
लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है। इस पर आपको एक बार पढ़ लेना है, जो बी लिब की या फिर एम लिब की आपके पास बुक है ना, उसमें से निकाल करके एक बार पढ़ लीजिए। आप ये मत सोचना कि सर ने करवाया नहीं, मैंने दोस्तों आपके भलाई के लिए ही कहा है, वो आपका ही नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार उस बुक को पढ़ लीजिए। कुछ नहीं, आप जैसे प्रतिलिपिकरण यानी रिप्रोग्राफी हो गया, आप इसको एक बार उसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, यानी वो कहना क्या चाहता है, उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 दिन हमारे पास, मान लीजिए आज कितनी तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, तो 17 तारीख तक ये चल जाएगी, कोई बात नहीं क्लास, या 4-5 दिन के अंदर जो भी मैं डिस्क्रिप्टिव बनता है वो करा दूंगा इस बुक का। अगर आप कहते हो तो कराऊंगा, नहीं तो मैं 6th बुक कल स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। और इस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने पी प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रिटरी जो बताई थी ना, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन बनेगा तो INB और BNB से क्वेश्चन बन सकता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने आपको करवाया नहीं करवाया, डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का दोस्तों ये पॉल ऑटलेट ने किया था, पॉल ऑटलेट। और 1934 के अंदर किया था, हाँ शायद याद आ गया मेरे को, मैंने करवाया था आपको, शुरुआत में क्लास स्टार्ट हुई थी उसके जस्ट 1-2 मिनट बाद करवाया था। अब आपको शायद ये भी पता होगा, मैंने ट्रांसलेट सर्विस स्टार्ट की थी, उसमें एम और सोर्स लैंग्वेज बताई थी, ये क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन रह जाएगा, मैं चलो इसको बता देता हूँ। एम लैंग्वेज वो होती है जिसमें हमें ट्रांसलेट करना होता है, जिसमें ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। और सोर्स लैंग्वेज वो होती है जिससे हमें ट्रांसलेट करना है, जिससे, ठीक है। ये भी एग्जाम में तो नहीं आता बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। एम ट्रांसलेट क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो तब हमें ये बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।